नमस्कार, इस समय हम कैथल में जो पुराना बस स्टैंड है उसके पास जो रेलवे गेट है वहां पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि जैसे त्योहारी सीजन चला हुआ है तो चोर भी कहीं ना कहीं ताक में हैं। और जहां हम खड़े हैं ये चार पांच दुकानें हैं, यहां रात 2 बजे के आसपास की घटना बताई गई है कि चोर एक बड़ी चोरी को अंजाम देने वाले थे लेकिन उससे पहले ही पकड़ लिए गए। तो चौकीदार की सूझबूझ कहें या समझदारी कहें तो कहीं ना कहीं वो सामने आई है। और चौकीदार यहाँ मौके पर मौजूद था तो उन्होंने बताया, और आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि किस तरह से जो कटर वगैरह लगाने का पूरा जो प्लान है वो बना लिया था। तो ये तस्वीरें ऊपर छत की हैं जहां आप देख सकते हैं कि जो बिजली वाली तार है उस पर जो कट लगाया गया था और इस कट के माध्यम से वो कटर की तार लगाने का प्रयास कर रहा था, उस कटर से आगे चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था लेकिन उससे पहले ही काबू कर लिया गया। पहले भी जैसे इनसे हमने बातचीत भी की है कि कई चोरी की वारदात यहाँ हो चुकी है, तो किस तरह की घटना घटी है, तो क्या कुछ पूरा वाक्य है, इनसे बातचीत भी कर लेते हैं। और जो चौकीदार है चौकीदार से भी जानेंगे कि किस तरह उन्होंने चोर को पकड़ा है, किस तरह पूरी घटना हुई है। तो आइए बातचीत कर लेते हैं। रात की 2 बजे की बात है जी, एक चक्कर मैं जरूर ऊपर मारता हूँ, उसी बार वो ऊपर हाथ लगा बैठे हुए थे चोर। अच्छा। हाँ, वो करे सारा सिस्टम को तार वगैरह जोड़ के उन्होंने काट के वो सारा जोड़ के एक तो उधर छलांग मार के जो इधर वाला था ना वो मैंने पकड़ लिया जी। अच्छा। हाँ जी, अकेला ही था मैं। हाँ, ऊपर से पकड़ के मैं यहाँ लिया, भाई कहते आगे बैठे हुए था, फिर वो दूसरा चौकीदार बुलाया, फिर उसके बाद सारे दुकानदार को भी बुलाया गया। आपको मतलब शक हुई है या? नहीं नहीं, एक चक्कर में डेली मारता हूँ जी ऊपर ऊपर छत पे। हाँ जी, कहीं भी हो जा सकता हूँ ना मैं, वहाँ एक चक्कर में डेली मारता हूँ। हथियार वगैरह तो कुछ नहीं थे, ऐसे कटर था जी उनके पास, तार जोड़ी हुई थी, उसके बाद कहते प्लास था और कहते जो टेस्टर था उनके पास और दो कहते प्लेटा थी जो कटर के साथ लगती है काटने वाली, और तार थी लंबी सी लंबी तारा थी जी और बोर्ड था। आपके ऊपर हमला या तो नहीं? नहीं नहीं, एक तो भाग चुका था जी, जो एक कहते एकदम कहते मेरे देखे वो, उन्हें पता नहीं था ऊपर ये चौकीदार आता भी है नहीं है। हाँ, मेरा काम तो डेली का ही है जी, एक चक्कर में डेली मारता हूँ। हाँ, उसके बाद कहते मैंने एक को ऊपर ही पकड़ लिया, ऊपर पकड़ से नीचे ले आया हूँ। कितने दिन लगे हुए आपके? मैं तो ऐसे तो मेरे को चौकीदार करते 28 साल हो गए जी। उसके बाद आपने किस पे फोन किया? मैंने सेठ जी को फोन करा, पहला मैंने सेठ जी को फोन करा, माँ जी ऐसे ही बात आप आ जाओ, फिर उनके बाद आगे उनको कई दुकानदार को फोन करा दिया, पुलिस वगैरह भी आई, उसके बाद पुलिस आई है, दुकानदार ने फिर करे। रात को 2 बजे हमारे पास चौकीदार ने फोन किया कि उसने एक चोर को पकड़ रखा है और वो चोर यहाँ दुकान से आगे पौड़ियों से ऊपर जाके वहाँ पर बैठ के और अपना साथ में सारा सामान कटर कुटर सब कुछ उसके साथ था और उसने तार को कट लगा के वहाँ पे कटर लगा के और पूरी घटना को मान लो चोरी करने का पूरा उसने इंतजाम कर रखा था अपना। और फिर उसको मान लो उसके साथ दो थे, वो उसने मानना है कि हम दो आए तो उसको चौकीदार ने पकड़ लिया और उसको फिर हमने पकड़ के और अपना ये सिटी में उसको पकड़वा दिया, पुलिस के पास वहाँ उसको पकड़ा है। आपके आने से पहले चौकीदार ने पकड़ लिया था आपके? नहीं नहीं, हमारे आने से पहले ही चौकीदार ने पकड़ लिया था, हमारे पास फोन आया था 2 बजे चौकीदार का, तो हमें तब पता लगा था, फिर हम उसके बाद 10 मिनट बाद हम अपना यहाँ आ गए थे तो उसको पकड़ गए और अपना पुलिस के हवाले कर दिया। चौकीदार अकेला था, मान लो उनके साथी थे जो मान लो दूसरी मार्केट में चौकीदार करते हैं ना, वो आस पड़ोस में, उनको भी उन्होंने फोन करके बुला लिया था। तार दुकान के ऊपर कट मार के मान लो उसके अंदर लगा रखी थी, उसने लगा रखी थी वहां पे चोरी करने के लिए, तो वो कटर भी और उसकी तार भी वो भी पुलिस को हमने दे दिए हैं। मतलब वो उसको उससे पूछताछ करी थी, वो कह रहा था मैं पटना से हूँ और यहाँ अपना दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ। हाँ, तो उसका जो एक साथी था वो भाग गया था। तो क्या मांगा था? हमारी पुलिस से मांगे कि हमारी रात की गश्त यहाँ बढ़ाई जाए और जो ये लाइटें वगैरह बंद है इनको ठीक किया जाए, भाई सारी चलनी चाहिए लाइटें वगैरह रात को, ठीक है ना, और उनको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए सख्त बिल्कुल। क्या नाम आपका? गगन चावला।
क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं, एक तो पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए मार्केट में, और दूसरा रात को मार्केट में पूरा अंधेरा रहता है, स्ट्रीट लाइटें सभी बंद पड़ी होती हैं, अगर लाइटें सभी जलती रहें तो वारदात ऐसी होने में काफी वो रहेगा कि ना हो पाए ऐसा कुछ। इस टाइम हमारे पास फोन आया, उस टाइम हम जब यहाँ पहुंचे थे तो उसके 15-20 मिनट तक के अंदर अंदर पेट्रोलिंग की एक जीप आ गई थी और उनको हमने सारी बात बताई तो उसके साथ ही साथ हमने 112 पे भी डायल कर दिया था, तो साथ ही साथ 10 मिनट के नियर अबाउट वो भी पहुंच गई थी टीम। रात को उन्होंने जैसे 5-7 दुकानदारों को फोन किया था, उनमें से चार पांच दुकानदार आए गए थे।